गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं अवनेश सिंह तोमर और हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी में इंडियन क्लाइमेट यानी कि भारतीय जलवायु। इससे पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं जो सर्दी के दिनों में और गर्मी के दिनों में वर्षा मुख्य रूप से किन कारणों से होती है, तो आज हम उसकी मैकेनिज्म यानी कि क्रियाविधि पढ़ने वाले हैं। आज आपको बहुत सारे जो सवाल होते हैं उनके जवाब मिलने वाले हैं। जैसे हमने पढ़ा था भाई, उत्तर पूर्वी मानसून उत्तर पूर्व से दक्षिण की ओर चलता है, तो ये हवाएं वास्तव में उत्तर पूर्व से दक्षिण की ओर ही क्यों चलती हैं भाई, किसी और दिशा में क्यों नहीं चलती। जो पश्चिमी मानसून है वो केवल उत्तर पश्चिमी भारत यानी कि कश्मीर और उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा इन्हीं राज्यों में क्यों आता है, तमिलनाडु तक क्यों नहीं पहुँचता। तो इसी तरह के हवाएं क्यों चलती हैं, पूरे वर्ष भर क्यों चलती रहती हैं, तो इसी तरह के ढेर सारे क्वेश्चन के आज आपको जवाब मिलने वाले हैं। तो वीडियो आप लास्ट तक देखें बिल्कुल, और कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करना भाई, और आप ये वीडियो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपका अपना ये चैनल जो है वो तेज़ी से ग्रोथ करें और हम और भी तेज़ी से मोटिवेट होकर ज़्यादा क्लासेस चलाएँ भाई। तो देखते हैं, देखो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो लास्ट क्लास में हमने बात करी है कि भारत में जो वर्षा है, भारत में होने वाली जो वर्षा है वो दो ऋतुओं में होती है। कितने ऋतुओं में होती है भाई? दो, एक तो शीत ऋतु में, एक शीत ऋतु में होती है, और दूसरी होती है ग्रीष्म ऋतु में। कब होती है? ग्रीष्म ऋतु में। तो ये दोनों बात हम कर चुके हैं और आज हम ग्रीष्म ऋतु को नहीं पढ़ने वाले हैं भाई। आज हम शीत ऋतु में होने वाली जो वर्षा है, शीत ऋतु में होने वाली वर्षा की क्रियाविधि पढ़ने वाले हैं, क्रियाविधि। और आप जानते हैं शीत ऋतु में वर्षा मुख्य रूप से दो कारणों से होती है। कितने कारणों से होती है भाई? दो कारणों से। एक तो पश्चिमी विक्षोभ से होती है, और दूसरा कारण हमने पढ़ा था मुख्य रूप से पश्चिमी विक्षोभ के अतिरिक्त उत्तर पूर्वी मानसून। क्लियर है भाई? तो आज हम पढ़ेंगे पश्चिमी विक्षोभ की क्रियाविधि क्या है और उत्तर पूर्वी मानसून की क्रियाविधि क्या है। तो आप हेडिंग लिख सकते हैं पश्चिमी विक्षोभ की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ साउथ डिस्टॉर्शन यानी कि पश्चिमी विक्षोभ की क्रियाविधि तो आप लिख सकते हैं भाई। और देखो, समझते हैं हम कि वास्तव में इस प्रकार की घटनाएं होती किस प्रकार से हैं। तो देखते हैं, देखो पश्चिमी विक्षोभ वास्तव में है क्या। तो एक बात आपको जरूर याद रखनी है भाई, जो भारत है इंडिया, सही है, इंडिया के अगर उत्तर की हम बात करें, तो कुछ इस प्रकार का आप देखेंगे भाई, यहां पर क्या है? हिमालय। ये क्या है? हिमालय। और एक बात आप याद रखें, आज मैं एक शब्द जो भी बोल रहा हूं वो सारे आपको लिखते हुए चलने हैं। अगर आप लिखते हुए नहीं चलेंगे तो बाद में चीजें आप भूल जाएंगे। तो हम क्या पढ़ रहे हैं भाई? जो पश्चिमी विक्षोभ है उसकी क्रियाविधि। और अब लिखना शुरू कर दें आप कि हिमालय के उत्तर में जो तिब्बत है, सही है, चीन, और इधर साइबेरिया जो है, ये साइबेरिया, तो इन क्षेत्रों में हवाएं चलती हैं। इन क्षेत्रों में सर्दी के दिनों में, ठंडी के दिनों में हवाएं चलती हैं, और ये हवाएं धरातल पर नहीं चलती हैं। आप समझे, धरातल से लगभग 6 किलोमीटर से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर, 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर, और किसी किसी बुक में ये 9 से 18 किलोमीटर लिखा हुआ है। तो दोनों ही बातें एक जैसी हैं। जनरली हम क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल तो आप जानते होंगे, सबसे निचली सतह जो है वायुमंडल की। तो जो क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल की सतह के निकट एक शक्तिशाली क्षोभ मंडल यानी कि हिमालय के उत्तर में क्षोभ मंडल की सतह के निकट, या आप ये कह सकते हैं धरातल से 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक शक्तिशाली वायु धारा प्रवाहित होती है। वायु की धारा यानी कि बहुत शक्तिशाली हवाएं प्रवाहित होती हैं, और इनकी गति आप देख सकते हैं भाई, लगभग 150 से 300 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, यानी कि एक घंटे में इतनी तेजी से ये जाती हैं। और जब अपने चरमोत्कर्ष पर यानी कि पीक पर होती हैं तो लगभग इनकी गति 340 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा हो जाती है।
तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी खतरनाक ये हवाएं होंगी। और इन हवाओं को जेट धारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? जेट स्ट्रीम, जेट धारा कहा जाता है। और इनकी जो दिशा होती है वो पश्चिम से पूरब की ओर होती है। कहां से होती है भाई? पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। तो ये तीन बातें आपको याद रखनी है। सर्दी के दिनों में हिमालय के उत्तर में तिब्बत चीन साइबेरिया वाले क्षेत्र में मुख्य रूप से एक शक्तिशाली वायु धारा का प्रवाह होता है। और ये वायु धारा क्षोभ मंडल की सतह के निकट लगभग 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर चलती है। और इसी को हम जेट धारा कहते हैं। और इसकी दिशा पश्चिम से पूरब की ओर होती है। इसीलिए इसे पछवा जेट धारा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है भाई? पछवा जेट धारा के नाम से जाना जाता है। तो देखेंगे, देखो जब ये वाली बात क्लियर हो गई तो सर्दी के दिनों में पछवा जेट धारा कहां चलती है? हिमालय के उत्तर में। अब एक बात और समझनी है आपको। देखो हर एक बात आप लिखते रहना बहुत ध्यान से। आप सभी ये जानते हैं भाई, ये 0 डिग्री विषुवत रेखा है। ये क्या है? बहुत सारे टूटे फूटे फैक्ट हैं, मैं सब फैक्ट आपको जोड़कर बता रहा हूं। क्लियर है भाई? ये विषुवत रेखा है और इसके ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, ये आप जानते हैं। ऊपर कर्क रेखा है और ये मकर रेखा। और आप ये भी जानते हैं भाई कि सूर्य पूरे वर्ष भर लगभग विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है, लेकिन इसके उत्तर में जाकर ये कर्क रेखा पर भी लंबवत चमकता है और नीचे जाकर मकर रेखा पर भी लंबवत चमकता है। तो एक बात आप याद रखेंगे भाई, जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है और जब उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करता है तो उसे कहते हैं सूर्य का उत्तरायण। क्या कहते हैं भाई? सूर्य का उत्तरायण। क्लियर है? और जब ये दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करता है, विषुवत रेखा से नीचे की ओर आता है, कहां पर चमकने के लिए? मकर रेखा पर। तो इसे कहते हैं सूर्य का दक्षिणायन। क्या कहते हैं भाई? सूर्य का दक्षिणायन। तो आप याद रखेंगे, तो सर्दी के दिनों में होता क्या है? जो सूर्य होता है वो विषुवत रेखा से नीचे की ओर खिसक जाता है, विषुवत रेखा से नीचे की ओर खिसक जाता है, यानी कि सूर्य का क्या होने लगता है? दक्षिणायन। तो जब सूर्य का दक्षिणायन होता है तो ये जो स्ट्रीम बह रही है, यानी कि पछवा जेट धारा बह रही है, ये कहां बह रही है भाई? मुख्य रूप से पछवा जेट धारा आपकी कहां बह रही है? हिमालय के उत्तर में, यानी कि यहां पर ये बह रही है। लेकिन जैसे ही आपका सूर्य दक्षिणायन होता है, ये थोड़ा सा दक्षिण की ओर आ जाती है, जो पछवा जेट धारा है वो थोड़ा सा दक्षिण की ओर आ जाती है और इस प्रकार से बहना शुरू कर देती है और जाकर ये हिमालय से टकरा जाती है, और इसके दो भाग हो जाते हैं। फिर कितने भाग हो जाते हैं? दो। एक भाग हिमालय से टकराकर ऊपर को चला जाता है और एक भाग हिमालय से टकराकर भारत में प्रवेश कर जाता है। और ये जो भारत में प्रवेश कर रहा है, इन्हें कहते हैं पछवा जेट धारा की उत्तरी शाखा। तो आप याद रखेंगे, पछवा जेट धारा की जो उत्तरी शाखा है वो तिब्बत वाले क्षेत्र में चली जाती है, जबकि पछवा जेट धारा की जो दक्षिणी शाखा है वो भारत में प्रवेश कर जाती है। इतना क्लियर हुआ होगा आपको? तो आप समझ गए भाई। इसके बाद देखो, अब हम पढ़ते हैं पश्चिमी विक्षोभ को। ये दो बातें क्लियर हो गई। इसके बाद देखो पश्चिमी विक्षोभ को फिर सारी चीजें मैं आपको जोड़कर बताता हूं भाई। क्लियर है? बहुत ध्यान से समझना। ये टॉपिक जनरली 2-3 लाइनों में खत्म कर दिया जाता है, चीजों को नहीं समझाया जाता भाई। मैं पूरा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप कॉपरेट करें थोड़ा सा। देखो ये है भारत वाला क्षेत्र, बहुत ध्यान से समझना इस चीज को। ये है इस प्रकार से भारत, इस प्रकार से कुछ आपको दिखाई देगा ये। क्लियर है भाई? देखेंगे ये भारत वाला क्षेत्र, और इधर को जब आप चलेंगे तो ये है अरब प्रायद्वीप, यानी कि सऊदी अरेबिया वाला क्षेत्र है। और इसके जब इधर को जाते हैं आप तो यहां पर हमें मिलता है
अफ्रीका महाद्वीप। क्या मिलता है भाई? अफ्रीका महाद्वीप तो आप जानते हैं, और इसके उत्तर में ये पूरा है यूरोप। यहां पर क्या है? ये पूरा यूरोप। और यहां पर एक सागर है जिसे कहते हैं भूमध्य सागर। तो आप देखो, चीजों को बहुत ध्यान से समझें। आप देखो होता क्या है, जो साउथ अफ्रीका सॉरी जो अफ्रीका महाद्वीप है उसके उत्तर में सहारा मरुस्थल है, उसके उत्तर में सहारा मरुस्थल है, और सहारा मरुस्थल में गर्म हवाएं चलती हैं, यानी कि यहाँ की जलवायु कैसी है? गर्म। जबकि यूरोप की जलवायु है ठंडी। सही है भाई, यूरोप की जलवायु ठंडी और यहाँ की जलवायु कैसी है? गर्म। तो आप देख पा रहे होंगे बीच में ये सागर है, सागर के उत्तर में ठंडी जलवायु और सागर के दक्षिण में गर्म जलवायु। तो इन दोनों के संयोग से, यानी कि ठंडी जलवायु और गर्म जलवायु के संयोग से एक समशीतोष्ण चक्रवात की उत्पत्ति होती है। किसकी उत्पत्ति होती है भाई? समशीतोष्ण चक्रवात की उत्पत्ति होती है। और इसकी उत्पत्ति कहाँ हो रही है? भूमध्य सागर के उत्तर में यूरोप वाले क्षेत्र में, दक्षिणी यूरोप में इसकी उत्पत्ति होती है। इतना क्लियर है भाई? तो ये जो समशीतोष्ण चक्रवात है जो इसके उत्तर में हवाएं चल रही हैं, कौन सी? पछुआ जेट धारा। जो पछुआ जेट धारा, और ये बहुत शक्तिशाली है। अत्यधिक शक्तिशाली होने के कारण ये समशीतोष्ण चक्रवात को अपने साथ ले चलती हैं। ये समशीतोष्ण चक्रवात को अपने साथ लेकर चल पड़ती हैं, और पश्चिम से पूरब की दिशा में ये जो समशीतोष्ण चक्रवात है पछुआ जेट धारा के साथ चल पड़ता है। और आप जानते हैं यहाँ पर ये है हिमालय, यहाँ पर ये है पूरे का पूरा हिमालय, और ये यहाँ से बहकर आ रही है। और जब ये यहाँ से आगे की ओर जाती है तो ये दो भागों में बट जाती है, एक तो वह भाग जो भारत में आ गया और दूसरा वह भाग जो हिमालय से टकराकर उत्तर में कहाँ चला गया भाई? तिब्बत में। और ये कहाँ आ गया? उत्तर पश्चिमी भारत। तो ये वाली क्लियर कंडीशन सब समझ में आ रही है आपको? तो देखो, जब ये यहां से चलता है समशीतोष्ण चक्रवात, जब ये यहां से चलता है तो एक तो भूमध्य सागर के ऊपर से होकर गुजरता है, और इसी के ऊपर पड़ता है काला सागर, ब्लैक सी। सही है भाई? और जब आगे को जाएंगे तो यहीं पर पड़ता है कैस्पियन, कैस्पियन सागर। तो इसके मार्ग में ये तीन सागर पड़ते हैं। अगर ये तीन सागर नहीं पड़ते तो इसके अंदर बिल्कुल भी नमी नहीं होती, और इसके द्वारा भारत या फिर इधर वाले क्षेत्रों में कोई भी वर्षा नहीं होती। लेकिन ये जो समशीतोष्ण चक्रवात है जिसे लेकर कौन चली है? पछुआ जेट धारा। ये किसके ऊपर से होकर गुजरता है? भूमध्य सागर, उसके बाद काला सागर, उसके बाद कैस्पियन सागर। तो इसमें पर्याप्त मात्रा में नमी आ जाती है, इसमें पर्याप्त मात्रा में नमी आ जाती है। और जो दक्षिण वाली शाखा है इसकी, यानी कि पछुआ जेट धारा की जो दक्षिणी शाखा है जो उत्तर पश्चिमी भारत में प्रवेश कर रही है, जैसे ही ये भारत में प्रवेश करती है इसे पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। क्या कहते हैं भाई? पश्चिमी विक्षोभ। तो पश्चिमी विक्षोभ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मानसून में या जो जलवायु है उसमें हलचल हो रही है भारत के पश्चिम में, भारत के पश्चिम में विक्षोभ यानी कि डिस्टोर्शन हो रहा है, इसीलिए इसे पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। तो आपको इतना तो समझ में आ गया भाई, पश्चिमी विक्षोभ कहाँ उत्पन्न होता है और भारत में कैसे आता है और इसमें नमी कहाँ से आती है। अब देखो, भारत में आने के बाद करता क्या है ये? तो ये भारत में आने के बाद दो प्रकार के राज्यों में, दो प्रकार के, एक तो मैदानी और दूसरा पहाड़ी, वर्षा करता है मैदानी राज्यों में और पहाड़ी। जो मैदानी राज्यों में उनमें पानी की बूंदों के रूप में, जल के रूप में वर्षा करता है, लेकिन पहाड़ी राज्यों में ये बर्फ के यानी कि स्नोफॉल, छोटी छोटी जो बर्फ आपने टीवी में गिरती हुई देखी होगी स्नोफॉल कहते हैं जिसे, उसके रूप में वर्षा करता है। मैदानी राज्य आप उत्तर पश्चिमी भारत के जानते हैं, पंजाब हरियाणा, आगे को दिल्ली यूपी बिहार, ये हैं। तो इतनी आगे तक नहीं जा पाता क्योंकि छोटे छोटे सागर हैं, इनसे नमी समुद्र के बराबर नहीं मिलती है भाई। तो आप देख सकते हैं, देखो ये मैदानी राज्यों में एक तो पंजाब, उसके बाद हरियाणा और उसके बाद दिल्ली, इन राज्यों में वर्षा करता है पानी की बूंदों के रूप में।
और ये जो मानसून है मुख्य रूप से जो प्रभावी रहता है वो लगभग 20 दिसंबर से मार्च तक, लगभग 20 दिसंबर से मार्च तक प्रभावी रहता है, यानी कि दिसंबर से मार्च के बीच में इसके द्वारा ही वर्षा होती है। किसके? पश्चिमी विक्षोभ। कहाँ पर? पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, और पहाड़ी राज्यों में आप जानते हैं, पीछे भी मैंने इन बातों को आपको डायरेक्ट समझा दिया था भाई, जैसे जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख वाला क्षेत्र भी इसमें ही आ जाता है भाई, लद्दाख, और उसके बाद में आपका हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड, क्लियर है? तो इन राज्यों में वर्षा होती है। लेकिन एक दो क्वेश्चन और बनते हैं। देखो, इस समय जो मैदानी राज्य हैं उनमें रबी की फसल बोई जाती है, उनमें रबी की फसल, और इसमें भी मुख्य रूप से कौन सी होती है? खाद्यान्न फसल, आप सभी जानते हैं गेहूं। तो गेहूं की फसल के लिए इस समय ये वर्षा बहुत ज्यादा उपयोगी होती है, तो याद रखेंगे। जबकि पहाड़ी राज्यों में इस समय सेब की फसल हो रही होती है, तो सेब की फसल के लिए भी ये बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। तो ये दो बातें याद रखनी है। एक बात और याद रखनी है, ये जो पहाड़ी राज्यों में इस समय स्नोफॉल हो रहा है, और आप जानते हैं इन राज्यों में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो ये उसके ऊपर जम जाता है और ग्लेशियर का निर्माण होता है, और इन्हीं दिनों में स्नोफॉल यानी कि बर्फ के गिरने से जो ग्लेशियर हैं उनकी ऊंचाई अपेक्षाकृत ज्यादा हो जाती है, और जैसे ही मार्च के बाद अप्रैल मई का माह आता है गर्मी शुरू हो जाती है, और धूप निकलने से ये ग्लेशियर पिघलने लगते हैं, और आप जानते हैं पूरे के पूरे उत्तर भारत में हिमालय से निकलने वाली ही नदियां आ रही हैं। तो इस समय में जब वर्षा नहीं होती है, सही है, मार्च के बाद कोई वर्षा थोड़ी होगी भाई, तो मार्च के बाद जब वर्षा नहीं होती है तो ये ग्लेशियर पिघलते हैं, और इनके पिघलने के बाद ही उत्तर भारत की नदियों में जल होता है। तो आप समझ सकते हैं भाई, मार्च तक तो यहाँ से वर्षा प्राप्त हो जाती है उत्तर भारत में जो हिमालय की नदियां हैं, लेकिन उसके बाद जो वर्षा प्राप्त होती है इन दिनों में जो स्नोफॉल आपके ग्लेशियर पर जमा है उसके पिघलने से नदियों में पानी आ जाता है, और कभी कभी आपने देखा होगा उत्तर भारत में मानसून के आने से पहले ही, मानसून के आने से पहले ही नदियां उफान पर आ जाती हैं, और हमें ऐसा लगता है कि पहाड़ी राज्यों में वर्षा हो रही है, तो वो पहाड़ी राज्यों में वर्षा नहीं होती, अपितु होता क्या है, इन वाले क्षेत्रों में जो स्नोफॉल है वो पिघलकर नदियों में आ जाती है। तो आपको इतनी बातें क्लियर हो रही हो। एक बात और नोट करके लिख लें, अगर किसी वर्ष काला सागर, कैस्पियन सागर और भूमध्य सागर से इनमें अधिक जल की मात्रा यानी कि नमी ज्यादा होती है इन हवाओं में, तो ये हवाएं दिल्ली से भी आगे बढ़ जाती हैं, नमी को लेकर दिल्ली से भी आगे बढ़ जाती हैं, और नमी को लेकर जब आगे बढ़ेंगी तो यूपी में वर्षा करती हैं हल्की फुल्की, और उसके बाद में बिहार, और बिहार में मुख्य रूप से पटना तक ही वर्षा होती है, इसे मुख्य रूप से पटना तक ही वर्षा होती है। तो याद रखना जो पश्चिमी विक्षोभ है उससे पटना तक भी वर्षा होने की संभावनाएं रहती हैं, क्लियर है भाई। एक क्वेश्चन और है, देखो जब पंजाब से होते हुए ये गुजरता है तो उत्तरी राजस्थान, जो उत्तरी राजस्थान है वो इसके प्रभाव क्षेत्र में आ जाता है, और उत्तरी राजस्थान में इसे एक अलग नाम दिया गया है, मावठ। किस नाम से जाना जाता है भाई? मावठ। तो याद रखना मावठ किसे कहा जाता है? पश्चिमी विक्षोभ को। कहाँ कहा जाता है भाई? उत्तरी राजस्थान में, क्लियर है। एक लाइन और लिख लें आप, जो उत्तर भारत में सर्दी के दिनों में शीत लहर आती है दिसंबर के बाद, तो ये जो दक्षिण पश्चिमी मानसून की, सॉरी, जो पश्चिमी जेट धारा दक्षिण की ओर मुड़ गई है, तो इसी के प्रभाव क्षेत्र से पूरे के गंगा के मैदान में जो एकदम टेम्परेचर गिरता है वो इसी के प्रभाव क्षेत्र के कारण होता है। तो आप इन बातों को याद रखेंगे। तो हमने पढ़ लिया भाई कि पश्चिमी विक्षोभ वास्तव में, तो देखो बहुत शॉर्ट तरीके से मैं आपको बताता हूँ पश्चिमी विक्षोभ यूरोप में एक उत्पन्न समशीतोष्ण चक्रवात है जो मुख्य रूप से भूमध्य सागर, काला सागर और कैस्पियन सागर से वर्षा नमी प्राप्त करता है, और पछुआ जेट धाराओं के साथ जाकर हिमालय से टकराता है। टकराने के बाद इसकी दक्षिणी शाखा भारत में प्रवेश कर जाती है, पश्चिमी भारत में और पहाड़ी और मैदानी राज्यों में ये वर्षा करती है। तो ये इसकी पूरी क्रियाविधि है। अब हम पढ़ने वाले हैं उत्तर पूर्वी मानसून की क्रियाविधि, क्लियर है भाई। तो आप हेडिंग लिखें उत्तर पूर्वी मानसून की क्रियाविधि।
देखो उत्तर पूर्वी मानसून की क्रिया विधि में हमें क्या पढ़ना है मुख्य रूप से, बहुत ही इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। देखो उत्तर पूर्वी मानसून हमने पढ़ा है भाई कि मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी दिशा से बहता है। देखो इधर मैं आपको समझाता हूँ, बहुत ध्यान से समझना क्रिया विधि। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं छोटे छोटे, लेकिन हम गलत कराते हैं, क्यों? क्योंकि चीजें हमने समझी नहीं होती हैं, और अगर थोड़ी बहुत भी हमने पढ़ी हो तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस लगभग ना के बराबर होते हैं। तो देखो उत्तर पूर्वी मानसून इस प्रकार से भारत में प्रवाहित होता है। उत्तर पूर्वी मानसून इस प्रकार से उत्तर पूर्व से कहां की ओर प्रवाहित होता है? दक्षिण पश्चिम की ओर। कहां की ओर प्रवाहित होता है भाई? दक्षिण पश्चिम की ओर। तो आप ये समझने की कोशिश करें कि ये हवाएं वास्तव में उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर ही क्यों चल रही हैं भाई। ये ऐसे भी तो जा सकती हैं, ऐसे भी तो जा सकती हैं, और उल्टी भी तो जा सकती हैं, लेकिन ऐसा ही क्यों हो रहा है? तो आप एक बात और याद रखें, भारत का जो विस्तार है वो 6 डिग्री, यहां पर तो 8 है, मान लो चलो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट से, और हिमालय देखो यहां पर है, हिमालय का विस्तार ये है भाई, तो ये पूरे का पूरा आपका हिमालय है। अब जो बात मैं समझा रहा हूं बहुत ध्यान से समझना भाई, इधर देखेंगे, देखो ये आप पृथ्वी मानकर चल सकते हैं, और पृथ्वी के ग्लोब पर ये 0 डिग्री विषुवत रेखा है, आप जानते हैं ये विषुवत रेखा है भाई, और विषुवत रेखा हमने अभी क्या पढ़ा भाई, विषुवत रेखा पर सूर्य लगभग पूरे वर्ष चमकता है, सूर्य लगभग पूरे वर्ष चमकता है, और जब सूर्य यहाँ पर विषुवत रेखा पर पूरे वर्ष चमकेगा तो यहाँ का तापमान, तापमान क्या हो जाएगा? ज्यादा। और जब ज्यादा तापमान होगा तो देखो कई कंडीशन होंगी, मैं सारी बताता हूँ, बहुत ध्यान से समझें। जब विषुवत रेखा पर सूर्य लगभग पूरे वर्ष चमकता है तो यहाँ का तापमान क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है, और जब तापमान ज्यादा होगा तो समुद्री क्षेत्र में वाष्पीकरण तेजी से होगा, समुद्री समुद्री क्षेत्र का वाष्पीकरण तेजी से होगा, क्लियर है भाई? और वाष्पीकरण तेजी से होगा, साथ ही साथ यहाँ की जो हवाएं हैं, यहाँ की जो वायु है वो गर्म होकर तेजी से ऊपर की ओर उठेगी, और जब तेजी से ऊपर की ओर उठेगी तो यहां पर हवा की कमी हो जाएगी, और जब हवा ही नहीं होगी तो दाब कहां से लगेगा? तो यहां पर वायु दाब कैसा हो जाएगा? निम्न दाब। कैसा क्षेत्र हो जाएगा ये? निम्न दाब का, यानी कि विषुवत रेखा के निकट निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो याद रखेंगे इस निम्न दाब के क्षेत्र को, इस निम्न दाब के क्षेत्र को हम डोल्ड्रम क्षेत्र भी कहते हैं। किस नाम से जानते हैं भाई? डोल्ड्रम क्षेत्र। तो डोल्ड्रम क्षेत्र वास्तव में शांत क्षेत्र होता है, जो कहां पर उत्पन्न होता है? ये कैसा क्षेत्र होगा भाई? निम्न दाब का क्षेत्र। कैसा होगा? निम्न दाब। और प्रकृति का एक नेचर होता है भाई कि वो संतुलन बनाए रखने की कोशिश करती है। क्या करती है? संतुलन बनाए रखने की कोशिश करती है। और यहां पर तो निम्न दाब है, लेकिन इसके उत्तर में और इसके दक्षिण में उच्च दाब होता है। कैसा दाब होता है? उच्च दाब। तो इसके उत्तर में 35 डिग्री नॉर्थ से, इसके उत्तर में 35 डिग्री नॉर्थ से 35 डिग्री साउथ, 35 डिग्री नॉर्थ से 35 डिग्री साउथ दक्षिण की ओर हवाएं चल पड़ती हैं, सही है? यानी कि विषुवत रेखा की ओर, नीचे से हवाएं ऊपर जाएंगी विषुवत रेखा पर और ऊपर से नीचे की ओर आएंगी, क्लियर है? लेकिन आप एक बात याद रखें, ये जो हवाएं जो निम्न दाब को भरने के लिए चल रही हैं, बिल्कुल ऐसे ही लिखना जैसे मैं बोल रहा हूं, ये जो हवाएं निम्न दाब को भरने के लिए चल रही हैं ये लंबत नहीं चलती हैं, ये बिल्कुल लंबत नहीं चलती हैं, अपितु थोड़ी सी पश्चिम की ओर मुड़ जाती हैं। कहां की ओर? पश्चिम की ओर मुड़ जाती हैं। और क्यों मुड़ जाती हैं ये भी ध्यान रखें कि एक वैज्ञानिक थे फेरेल, एक वैज्ञानिक थे फेरेल, इन्होंने कोरियोलिस बल, कोरियोलिस देखो इस प्रकार से लिखेंगे, कोरियोलिस बल। ये जो कोरियोलिस बल होता है, देखो कोरियोलिस बल की उत्पत्ति कैसे होती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती है, साथ ही साथ सूर्य की परिक्रमा भी करती है, तो उसके कारण वायु की गति में, यानी कि चारों ओर का जो वायुमंडल है उसकी गति में
परिवर्तन होता है और उसी बल को कहते हैं हम कोरियोलिस बल, यानी कि घूर्णन और परिक्रमण गति के कारण जो बल उत्पन्न होता है उसे कोरियोलिस बल कहते हैं। तो फेरेल ने कहा कि कोरियोलिस बल के कारण जो हवाएं 35 डिग्री से उत्तरी गोलार्ध में 0 डिग्री रेखा की ओर चलती हैं, वो अपने दाईं ओर मुड़ जाती हैं। कहां मुड़ जाती हैं भाई? दाईं ओर मुड़ जाती हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में इसका बिल्कुल उल्टा होता है। दक्षिणी गोलार्ध में ये हवाएं अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं। कहां मुड़ जाती हैं? बाईं ओर। किसके कारण? कोरियोलिस बल के कारण। ये किसने कहा है? फेरेल ने। तो देखो, इन हवाओं को आप थोड़ा सा बाईं ओर मुड़ा दो, उत्तर में दाईं ओर मुड़ाओगे तो ऐसे ही तो चलेंगी भैया। कैसे चलेंगी? इस प्रकार से। और जब इसमें आप दिखाओगे तो ये इस प्रकार से। तो इस प्रकार से सारी की सारी हवाएं क्या आपको पश्चिम में मुड़ी हुई नहीं दिखाई दे रही? अरे सारी की सारी हवाएं पश्चिम की ओर मुड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। तो क्लियर हो रहा है भाई? और ये जो हवाएं उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में बह रही हैं, इन हवाओं का एक स्पेशल नाम है भाई, इन्हें व्यापारिक पवने कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? व्यापारिक पवनों के नाम से जानते हैं। तो आप याद रखेंगे, व्यापारिक पवने पूरे वर्ष भर, व्यापारिक पवने पूरे वर्ष भर लगभग 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से विषुवत रेखा की ओर चलती हैं। उत्तरी गोलार्ध में ये अपनी दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में ये अपनी दाईं ओर मुड़ जाती हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में जिस दिशा से ये चल रही होती हैं, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में किस दिशा से? उत्तर पूर्व से चल रही हैं, तो इन्हें उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में इन्हें किस नाम से जानते हैं? उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने। तो अब आप समझ गए भाई कि उत्तरी गोलार्ध में इन्हें उत्तर पूर्व की दिशा से ही क्यों चलती है, क्योंकि 37 डिग्री ये है तो 35 डिग्री लगभग ये होगा, तो यहां से चलती रहती होंगी अरे 35 डिग्री से ही तो चल रहा है, तो 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश ये है, तो यहां से लगभग उत्तर पूर्व की दिशा से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती रहेंगी। और दक्षिण में ये कहां से चल रही है? दक्षिण पूर्व की ओर से। तो दक्षिणी गोलार्ध में इन्हें दक्षिण पूर्वी सॉरी हाँ दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों के नाम से जाना जाता है। दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों के नाम से जाना जाता है। तो आप याद रख सकते हैं देखो इस चीज को। तो आप अब समझ गए होंगे कि सर्दी के दिनों में ये जो उत्तर पूर्वी मानसून है, मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने होती हैं और पूरे भारत में स्थलखंड से होकर प्रवाहित होती हैं। ये बात मैं कल बता चुका हूँ। उत्तर जो आपका पूरे का पूरा उत्तर भारत है, यहाँ पर कोई भी जलीय क्षेत्र नहीं है, इसीलिए इन्हें नमी प्राप्त नहीं होती है, इसीलिए पूरे भारत में ये वर्षा करने में सक्षम नहीं है। लेकिन उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों का वह भाग जो बंगाल की खाड़ी से होकर प्रवाहित होता है, वो बंगाल की खाड़ी से पर्याप्त मात्रा में नमी को प्राप्त कर लेता है, और जब नमी को प्राप्त कर लेगा तो ये जाकर टकराता है कोरोमंडल तट से। तो आप समझ रहे होंगे भाई कि उत्तर भारत में इसे नमी प्राप्त नहीं हुई, इसलिए वर्षा नहीं करी इन व्यापारिक पवनों ने, लेकिन बंगाल की खाड़ी से पर्याप्त मात्रा में इन्हें नमी प्राप्त हो गई, इसीलिए ये कोरोमंडल तट से जाकर टकरा गई। और तमिलनाडु में इन दिनों में, यानी कि दिसंबर से मार्च के दिनों में खूब वर्षा होती है, जबकि पूरे भारत में वर्षा नहीं होती है, और ये वर्षा करने में सक्षम है, इसीलिए इसे उत्तर पूर्वी मानसून के नाम से जाना जाता है। मानसून मैंने आपको बताया था कि वे हवाएं जिनमें नमी होती हैं और जो वर्षा करने में सक्षम होती हैं। तो अब तो आप समझ गए भाई, अब तो क्लियर है। अब देखो पूरे भारत में ये कैसे प्रवाहित होती हैं। देखो एक शब्द आपको याद रखना है, सही है, या चलो इसमें इतना ही छोड़ते हैं, वो चीज हम आगे पढ़ेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप समझ रहे होंगे भाई कि शीत ऋतु में जो मुख्य रूप से वर्षा दो कारणों से होती है, अब वो सिद्ध भी हो चुका है कि क्यों होती है, उसकी क्रिया विधि भी हम पढ़ चुके हैं। जो आपका पश्चिमी विक्षोभ था वो उत्तर पश्चिमी राज्यों में वर्षा करता है, जबकि उत्तर पूर्वी मानसून मुख्य रूप से कोरोमंडल तट पर वर्षा करता है। तो सर्दी के दिनों में पूरे भारत में वर्षा नहीं होती है, कुछ गिने चुने क्षेत्रों में ही वर्षा होती है। तो अब आप समझ रहे होंगे हर एक छोटी से छोटी चीज को।
और अगला वीडियो देखना ना भूलें भाई, उसमें हम गर्मी के दिनों में जो दक्षिण पश्चिमी मानसून आता है उसके बारे में पढ़ेंगे बहुत अच्छी तरह से। क्लियर है भाई? तो कमेंट करके जरूर बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और अपने हर एक फ्रेंड को इसे शेयर करना भाई। थैंक यू।